चौधरी दिवाकर सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किया गया धरना प्रदर्शन। चौधरी दिवाकर सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु ने कहा, मोदी सरकार ने गेहूं तथा चीनी के निर्यात पर रोक लगाकर देश के किसानों को जो लाभ प्राप्त हो रहे उन लाभों को समाप्त किया है। प्रदेश के किसानों की फसलों को आवारा तथा अन्य पशुओं से बचाने के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय हसनपुर पर किया गया धरना प्रदर्शन। चौधरी दिवाकर सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से, हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब एक उद्योगपति को अपनी चीज बनाकर कहीं भी वर्ल्ड में बेचने का अधिकार है तो फिर देश के किसान को क्यों नहीं है। आज किसान को गन्ने पे और गेहूं पे कुछ रेट मिलने वाले थे। हमारी गेहूं जो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार आज कम से कम 5000 रुपए क्विंटल बिकनी चाहिए थी, वो तुरंत प्रधानमंत्री जी ने बैन लगा दिया है। हम पूरे देश के अंदर इस बैन को हटाने की बात करेंगे, क्योंकि यदि ये हमारी आपूर्ति होती रहती, विदेशों को निर्यात होता रहता और चीनी निर्यात होती रहती तो भला किसका होता, वो देश के किसान का होता। देश के किसान को दो पैसे ना मिल जाए इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने इस पर बैन लगाया है। देश का किसान इसका विरोध करता है। हम ये आंदोलन करते रहेंगे जब तक क्या ये हमारा प्रतिबंध समाप्त नहीं होगा।